विदिशा की ग्राम पंचायत पठारी हवेली में किस तरह विकास की गंगा बहती नजर आ रही है वो देखकर ही नजर आता है। सरकार कितनी ही योजनाएं चला ले, लेकिन धरातल पर योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पूरा मामला विदिशा से 7 किलोमीटर दूर पठारी हवेली का है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि गाँव के वार्ड नंबर 4 में सीसी रोड होने के बावजूद सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है, क्योंकि गाँव के बाहर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। पानी निकासी के लिए नालियों का सही निकास नहीं है। जो नालियां बनाई गई हैं, नालियों के ऊपर गांव के दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है। नालियों को बंद कर दिया गया है। कीचड़ बहुत जोर से दलदल हो रही है, हम निकल के जाते हैं, बहुत गंदगी फैल रही है, बीमारी आ रही है, गिर गिर पड़ते हैं। 24 घंटा इसको शिकायत करी थी, सरपंच से करी, सचिव से करी, सब से करी, वो कहता है जाप्ते से बात करो। कम से कम ये 6 महीने से यहाँ पानी भरा है, तो पानी निकल नहीं पा रहा, और निकल भी रहा तो नालियाँ मूंदी जा रही हैं। इस कारण से यहाँ आने जाने वालों उनको इतनी परेशानी हो रही, कई कई तो गिर पड़ते हैं। और सुबह शाम कीचड़ हो रही है, सांप गेड़ुआ मच्छर दुनिया भर की इससे परेशानी हो रही है। लेकर कांग्रेस का विरोध जारी।